सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, कई दिनों के वेट के बाद सुजुकी मोटर्स जो है वो फाइनली इंडियन मार्केट में अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है सुजुकी एवेनिस, जो कि आता है 125 स्पोर्ट्स स्कूटर वाले सेगमेंट के अंदर। तो ये जो स्कूटर है वो डायरेक्ट कॉम्पीट करने वाली है टीवीएस एंटोर 125 BS6 को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी स्कूटर के बारे में फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं, यानी कि सुजुकी एवेनिस के बारे में ही बात करने वाले हैं कि इसमें आपको कौन सा इंजन देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या प्राइस कंपनी ने इसे रखा है। तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्कूटर के कलर ऑप्शंस और लुक्स से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर में आपको 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कलर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको जो भी कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो डुअल टोन कलर ऑप्शंस में आते हैं। तो पहला कलर है व्हाइट और ब्लैक, दूसरा है ग्रे विथ ब्लैक, तीसरा है ऑरेंज विथ ब्लैक और चौथा है नियॉन विथ ग्रे। तो यहाँ पर ये जो 4 कलर ऑप्शंस आपको कंपनी ऑफर करती है, ये काफी ज्यादा खूबसूरत देखने में लगते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्कूटर में आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक है नॉर्मल वेरिएंट और एक है स्पेशल एडिशन वेरिएंट। तो यहाँ पर अगर आप इस स्कूटर का स्पेशल एडिशन वेरिएंट को कंसीडर करते हैं तो उसमें आपको कलर स्कीम डायरेक्टली MotoGP इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल एवेनिस से काफी ज्यादा डिफरेंट लगेगा और काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी ने, आप समझ लीजिए कि इसका लुक काफी ज्यादा स्पोर्टी रखा है। अगर आप इस स्कूटर को किसी भी एंगल से देखते हैं तो ये जो स्कूटर है काफी ज्यादा, मतलब कि फंकी देखने में लगेगा, काफी ज्यादा स्पोर्टी और शार्प देखने में लगेगा। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें आपको साइड मतलब कि एयर इंटेक्स टाइप के टेक्सचर देखने को मिलते हैं। साइलेंसर पे आपको काफी स्पोर्टी मतलब कि मफलर देखने को मिलता है, काफी अच्छा अट्रैक्टिव ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और छोटा सा वाइजर देखने को मिल जाता है। और काफी ज्यादा मतलब कि ओवरऑल ये स्कूटी जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और स्पोर्टी लगती है। तो दोस्तों, बात करते हैं इंजन स्पेक्स के बारे में। तो इसमें आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा जो कि आपको सुजुकी बर्गमैन और सुजुकी एक्सेस 125 में देखने को मिलता है। तो इसमें आपको 124.3 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा जो 8.7 BHP का पावर और 10 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करेगा। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंजन से लेके ब्रेक से लेके सस्पेंशन सिस्टम से लेके A to Z चीज आपको सेम आपको बर्गमैन और एक्सेस 125 वाला ही देखने को मिलेगा, उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्कूटर में आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको फुली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। रियर में आपको LED स्प्लिट टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट और काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। बाकी दोस्तों, साइड स्टैंड कट ऑफ फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा इस स्कूटर में। तो यहाँ पर अगर आपके स्कूटर का साइड स्टैंड लगा हुआ है तो ये जो स्कूटर है वो स्टार्ट नहीं होगी, जो कि आपकी सेफ्टी को इम्प्रूव कर देता है। और इंटीग्रेटेड इंजन किल स्विच आपको देखने को मिल जाएगा, तो जो किल स्विच है उसी में आपको सेल्फ स्टार्टर भी देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। आपको अगर आप स्कूटर से लॉन्ग जर्नी वगैरह करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी दोस्तों, जो मेन फीचर कंपनी ने इसमें ऐड किया है वो है इसके मीटर में। तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है विद सुजुकी कनेक्ट फीचर। तो सुजुकी कनेक्ट फीचर में आपको कॉल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज नोटिफिकेशन, टर्न बाई टर्न नेविगेशन और बाकी सारे मतलब बाकी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। कि कुछ डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 780 mm का सीट हाइट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपका हाइट मीडियम है और शॉर्ट भी है तो आप इस स्कूटर को इजिली राइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और 106 kg का कर्वेट देखने को मिलता है जो कि इस स्कूटर को एक लाइट वेट स्कूटर बना देता है। तो अगर आप इस स्कूटर को सिटी वगैरह में लेके चलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील होने वाला है। ग्राउंड क्लीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो 160 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। कंपनी को कम से कम 170 नहीं तो 180 mm देना चाहिए था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सही है मतलब कि। और बाकी 5.2 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि नॉर्मली हर स्कूटर की इतनी ही देखने को मिलती है। तो अब प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो कंपनी ने इसे 86,700 rupees न्यू दिल्ली के प्राइस के ऊपर लॉन्च किया है। तो देखते हैं कि कितना ये स्कूटर जो है ऑन रोड पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि करीबन 1 lakh के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, करीब 95 to 97, 98 इतना ही ऑन रोड ये इस स्कूटर का देखने को मिलता है। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ।